पास एमबीए की डिग्री है बट आफ्टर मैरिज एंड आफ्टर हैविंग किड्स आई नेवर डिड एनीथिंग फॉर माई सेल्फ. मेरा एक ड्रीम था, मतलब ऑब्वियसली स्टडीज करी है आपने, एजुकेशन लिया, डिग्री लिया, तो एक ड्रीम था. बट बच्चे होने के बाद उनके साथ इतने सारे इश्यूज और कंसर्न और स्ट्रगल्स आ रहे थे कि मैंने कभी सोचा भी नहीं. और मेरे लिए मेरी प्रायोरिटी मेरे बच्चे थे और उनको उनके चैलेंजेस कवर करते करते शायद वो वाला मेरा ड्रीम तो कहीं दूर चला गया. बट आफ्टर डूइंग NLCP नो लिमिट चाइल्ड प्रोग्राम एंड जो वर्क अपॉन माई पेरेंटिंग, एक ग्रेट शिफ्ट चेंज आया मेरे अंदर. मैंने अपने आप को एक ओनली मदर से वर्किंग मदर में चेंज कर लिया. जैसा कि सर कहते हैं ओनली 15 मिनट्स यू नीड टू मतलब हैव चाइल्ड टाइम विद योर चिल्ड्रन. और वही सब कुछ मैंने भी मतलब आफ्टर डूइंग एक सारे टूल्स वगैरह करने के बाद आज वो उस पॉइंट पे आया है कि यस ओनली 15 मिनट्स ही मुझे मेरे बच्चों को देना ही इनफ है. नाउ आई एम चेरिशिंग माय अनमैरिड ड्रीम जो था कि हाँ मैंने किसी पर्पस के लिए इतना स्टडीज किया था, स्ट्रगल किया था, वो करूं. एंड उसके साथ साथ आई एम फीलिंग मच मोर कॉन्फिडेंट नॉट ओनली एज ए मदर बट नाउ आई कैन से माय ओन आइडेंटिटी एक मदर और एक हाउसवाइफ से आगे भी मैं कुछ हूँ. मेरे बच्चों को तो सिर्फ 15 मिनट चाहिए जो इम्पोर्टेंट है उनके लिए. आई कैन डू मैनी थिंग्स एक्सेप्ट एक हाउस होल्ड वर्क है, एक उनके पीछे आगे पीछे दौड़ना, उनका डेली शेड्यूल मैनेज करना. उसके अलावा मेरे पास बहुत सारे ऐसे काम मुझे नजर आ रहे हैं कि जो मैं कर सकती थी और अब मैं कर रही हूँ. मैं अपने हेल्थ के लिए मुझे टाइम मिल रहा है, मेरा फ्रेंड सर्कल बहुत अच्छा है, मैं सोशल वर्क कर रही हूँ, आई हैव स्टार्टेड अर्निंग. जो चैलेंजेस आए थे इन सबको मतलब ये ड्रीम लेने के लिए कि मेरा मेरे को अभी भी था कि टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा था मेरे से खुद से, वो मैंने विद जॉब विद मतलब अपने बच्चों को स्टैंड करने के बाद मैंने अपने आप को टाइम मैनेजमेंट में डाला. लाइक मैं अपना हाउस होल्ड कम्प्लीट करती हूँ एंड अपने ऑफिस का पहुँच रही हूँ बिल्कुल टाइम पे विद नो स्ट्रेस. दैट इज माई अचीवमेंट. मेरे बच्चों को मैं मना करती हूँ कि यार हर समय आई एम नॉट अवेलेबल नाउ फॉर यू 24/7. तो दिस हेल्प्स मी फॉर माई हस्बैंड एंड मेरे बच्चों को दोनों को ये सोचने के लिए कह देते कि हर बात तब एक इम्पॉर्टेंट बात ही आप मेरे से कर सकते हो, हर बात के लिए आप मेरे को नहीं ढूंढ सकते. सो थिंक योर सेल्फ एंड सेल्फ रिस्पॉन्सिबल बनो. तो बिना कहे वो चीज़ मेरे फैमिली में धीरे धीरे आ रही है कि इम्पॉर्टेंट एंड अनइम्पॉर्टेंट वर्क के बीच में वो लोग डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं. मैं उनके लिए राउंड द क्लॉक नहीं हूँ. वर्किंग ऑन लैपटॉप एंड लर्निंग न्यू टेक्नोलॉजी डेली ये मुझे बहुत बड़ा एक अचीवमेंट देता है एंड आई एम फीलिंग डे बाई डे मतलब एक नाइस चेंजेस है मेरे अंदर. थैंक यू सो मच. मेरी धीरे धीरे को डिपेंडेंसी भी जा रही है अपनी फैमिली के अंदर कि सब कुछ मेरे ऊपर ही डिपेंडेंट है. नहीं, नाउ दे आर सेल्फ डिपेंडेंट. थैंक यू.